नमस्कार श्री पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। झारखंड के डीजीपी एमपी राव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के गाड़ी पर हमला बोलने वाला और सीएम का काफिला रोकने वाले लोगों को पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर सबक सिखाएगी। जी हाँ, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल डीजीपी एमपी राव ने कहा है कि रांची के किशोरगंज में सोमवार को पुलिस की गाड़ी पर हमला और सीएम के काफिले को रोकने की घटना सरासर गुंडागर्दी है। ऐसे गुंडों से पुलिस आयरन हैंड से निपटेगी, उन्हें कुचल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को पता नहीं है कि कानून की ताकत क्या होती है। डीजीपी ने कहा कि वीडियो फुटेज से एक एक की पहचान की जा रही है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। डीजीपी ने किशोरगंज की घटना को पूरी तरह से साजिश करार दिया है। कहा कि ऐसी साजिश करने वाले किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। गुंडागर्दी करने वाले ने पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पर कातिलाना हमला किया है, उसे लगभग जान से मार डालने की कोशिश की गई है। ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। दोबारा कभी लोग ऐसी घटना को अंजाम ना दे, इसलिए ऐसे लोगों को एक एक लोगों को चिन्हित कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उनका पैर हाथ तोड़ दिया जाएगा और पुलिस उनसे आयरन हैंड से निपटेगी। तो बड़ी बात उन्होंने कह दी है। गौरवमय इतिहास रहा जापान का, गोरखा बटालियन का, और ये तो पूरे देश में अनेक जगहों पर सेवा दिया है इतना साल। और आप देखे होंगे कि राजभवन में मुख्यमंत्री जी का सुरक्षा में और जहाँ जहाँ कठिन परिस्थिति होती है प्रेफर करते हैं जनरली गोरखा बटालियन के लोगों को, और एक डिसिप्लिन इन लोगों का हमेशा अच्छा रहा। एक और बात है कि 1919 में, अब से करीब 30 साल पहले, मेरा एक बॉडीगार्ड रहा लक्ष्य छेत्री, जो भागलपुर में एक एनकाउंटर में मेरे बगल में ही बैठा हुआ था। या तो अगर वो नहीं मरते, उनके जगह पर मैं मरता। इन वे अभी मैं बहुत कुछ, मैं भी इंडेटेड हूँ इन लोगों का, ऋणी हूँ इसके कारण। सर, एक सवाल है, कल दुष्कर्म वाला मामला पे, और कल जो सबसे पहले आप लोग पूरे जानकारी लेके, या तो आप क्या पूछना है पूछिए, नहीं तो बोलना है तो आप ही बोल लीजिए। सर आप ही बताएं कि तो दुष्कर्म बोल रहा है, दुष्कर्म किसका हुआ? आप कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। वो सर कटी एक लाश मिली, ठीक है, वो अभी तक उसकी पहचान तक नहीं हुआ। प्रोफेशनली हम लोगों का मानना है कि वो उसको किसी दूसरा जगह पर हत्या करके ला के यहाँ फेंक दिया गया। उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत प्रोफेशनली चल रहा है। और कल शाम को जो भी गुंडागर्दी किया, ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है। अत्यंत कठोरता से उनको निपटा जाएगा। मैं एकदम बिल्कुल इसको वार्निंग समझे, कुछ भी समझे, ये को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोबारा अगर कानून अपना हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उसी जगह पर हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा लोगों का। सर एक एकदम ये गुंडागर्दी चलना नहीं देंगे हम। एकदम ये सही है सर। सर ये आखिर इस सर पहचान के लिए क्या वैज्ञानिक होती है, कैसे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का अपना तरीका है, मैं तो सिखा नहीं सकता इन्वेस्टिगेशन कैसा होती है। लेकिन एक चीज़ तो मैं बता सकता हूँ, ये षड्यंत्र करना, गुंडागर्दी करना रोड पर, उसी तरह से हम लोग पेश आएंगे। आप देखिएगा अभी कितना कठोरता से हम लोग पेश आएंगे, कठिन से कठिन सजा दिलाया जाएगा। कोई ये मत, डोंट टेक एनीबडी लॉ फॉर ग्रांटेड। ये होना भी चाहिए, इसके लिए कानून को अपना हाथ का खिलौना समझ के करने वालों के साथ हम लोग ऐसा पेश आएंगे कि जिंदगी भर याद रखें। सर एक आखिरी सवाल, अभी तक सर क्या पाया गया है या कुछ? बहुत सारे लोगों का गिरफ्तारी हुई है, और जितना भी वीडियो फुटेज आया उसमें जो भी गुंडागर्दी किया, हमारे पुलिसकर्मी घायल हुआ, एक इंस्पेक्टर को ऑलमोस्ट जान मार दिया। इनको मैं बताना चाहूँगा, इन लोगों के पीछे ताकतों को, कि हम लोग बिल्कुल आयरन हैंड से कुछ लेंगे, समझे ना? कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। साजिश, पूर्ण रूप से साजिश। और ये मूर्ख लोग नहीं समझ रहे कानून की ताकत क्या होती है। इस पर बीजेपी के नेता है, काफी कद्दावर नेता है बाबूलाल मरांडी, उनका भी बयान सामने आया है। बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप पर अगर दिन में परिवर्तित कर ले तो प्रत्येक दिन 5 घटनाएं हुई है महिलाओं के साथ दोष कर।
और महीना में 150, तो ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक स्थिति है, और वो भी कोरोना के काल में, लॉकडाउन के काल में। और ये घटनाएं इसलिए लगातार बढ़ रही है क्योंकि सरकार कि अगर आप साहेबगंज बरहेट से घटना को अगर आप देखेंगे, चाहे वो साहेबगंज की घटना हो, बरहेट की घटना हो, वहां महिला के साथ दुष्कर्म होता है, फिर हत्या कर दी जाती है, मामला को रफा दफा करने में पुलिस के जवान लग जाते हैं, और जब हम लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, फिर हम लोग एसपी से और बाकी से जब पूछताछ होने लगता है तो फिर लाश को निकाला जाता है, फिर पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद आज तक क्या हुआ ये अभी तक जनता को कोई पता नहीं। तो सुना आपने, बाबूलाल के अनुसार ओर मांझी घटना मामले में पुलिस अब तक मृतिका का सर भी नहीं ढूंढ पाई है। इससे पहले भी महिलाओं के खिलाफ कई अपराधी घटनाएं हुई है, पर पुलिस ने इन मामले में काम करने के बजाय निर्दोषों पर जोर आजमाइश की करती आई है। सीएम के काफिले को रोकने के मामले में पुलिस और खुफिया तंत्र फेल साबित हुआ। उन पर एक्शन की बजाय पुलिस कप्तान आंदोलनकारियों को गुंडा और हाथ तोड़ने की बात कर रहे। इस पर बाबूलाल मरांडी का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं बाबूलाल मरांडी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने पुलिस के इस बयान को, डीजीपी के इस बयान को शर्मनाक करार दिया है। जी हाँ, बाबूलाल मरांडी का कहना है कि ओर मांझी घटना मामले में पुलिस पूरी तरह से विफल है, अब तक मृतिका का सर तक नहीं ढूंढ पाई है पुलिस। इससे पहले भी महिलाओं के खिलाफ कई आपराधिक घटनाएं हुई है, पर पुलिस ने इन मामलों में काम करने के बजाय निर्दोषों पर जोर आजमाइश करती आई है। सीएम काफिले को रोकने के मामले में पुलिस और खुफिया तंत्र फेल है। उन पर एक्शन की बजाय पुलिस कप्तान आंदोलनकारियों को गुंडा और हाथ तोड़ने की बात कह रहे हैं। वे नेता की तरह बयान दे रहे हैं, निर्दोषों को बच्चों संग पकड़ा जा रहा है। तो इस तरह की बातें बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी के बयान पर कही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।